एडमिशन फीस है वो फ्री है। हर पेरेंट्स का मन होता है मेरा बच्चा से स्कूल में जाए, अच्छी एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ ज्योति लाइकर। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आई हूं, तो आज मैं आई हूं डून इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ पे आज एक सेमिनार है, तो सेमिनार किस चीज़ का है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हम यहाँ के प्रिंसिपल से बात करेंगे। उससे पहले आप एक बार स्कूल को देख लीजिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस तरह बच्चे टेंथ आफ्टर टेंथ कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा स्ट्रीम चूज करें, कौन सा लाइन, लैक ऑफ गाइडेंस, तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया कि जैसे एक सेमिनार कनेक्ट किया जाए और बच्चों को उसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा मोटिवेट किया जाए। मेन उद्देश्य यही था आज कि बच्चे अपने फ्यूचर को एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू चूज कर सकें। सर, जैसे आपका स्कूल काफ़ी टाइम से ग्रामीण क्षेत्र में आप इतनी सेवाएं दे रहा है, तो सर क्या क्या फैसिलिटी रहती है अपने स्कूल में? सर ग्रामीण क्षेत्र है हमारा बिलासपुर स्कूल। हाँ बिल्कुल सर, हमारे स्कूल में हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं जी। सर स्टडी अकेडमिकली तो है ही है जी जी, इस टाइम हमारा टॉप पे स्कूल थोड़ा एरिया में, और कराटे, डांस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है हमारे पास सारी अवेलेबल है, योगा, डांस, कराटे। हाँ जी, हाँ जी, हमारा एक स्टूडेंट जो है यहीं से है, तुम भी से ही, वो नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट है, आर्यन संधू नाम है उसका। तो उसमें स्पोर्ट्स में भी हमारा स्कूल काफ़ी अच्छी पोजिशन पे है एकेडमिकली के साथ साथ। सर करियर का जी, ये आपने जो आपके पास सेमिनार रखे हैं, क्या हर साल होता है सर ये? ये सर अभी से स्टार्ट किया हमने, पहले तो नहीं होता था, लेकिन जो मैंने ये प्रॉब्लम फेस की कि बच्चे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने इसी साल से स्टार्ट किया। पहले तो नहीं किया, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने किया। तो बच्चों के पास पेरेंट्स को बार बार मेरे से क्वेरीज आती थी कि सर हम क्या डिसाइड करें, तो मैंने ये डिसाइड किया कि एक सेमिनार टाइप ही सभी को बुला के एक मतलब इसके बारे में प्रॉपर एक गाइडलाइन दी जाए। मतलब कि भविष्य में सर इस प्रकार के सेमिनार आपके यहाँ पर स्कूल्स में चलते? हाँ बिल्कुल सर, अब तो मैं कंटिन्यू रखूँगा इसको, अच्छे मतलब स्कॉलर्स को बुला के लिए प्रॉपर टाइम टू टाइम मतलब होते रहेंगे। सर क्या कुछ एड्रेस बता पाएंगे यहाँ पर जो डून इंटरनेशनल स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, यहाँ पर आपसे कंसल्ट करना चाहेंगे? किसके अकॉर्डिंग सर? स्कूल के अकॉर्डिंग सर, लोकेशन के अकॉर्डिंग सर? लोकेशन सर हमारा मतलब एरिया में, जिस तरह हमारा अप टू 12th स्टैंडर्ड स्कूल है और हमारा जो अकेडमिकली बहुत अच्छा रिजल्ट है, लास्ट 5 ईयर्स टॉप में 100% रिजल्ट आ रहा है, नियर बाई स्कूलों में सबसे टॉप पे है। लास्ट ईयर हमारे पास 35 स्टूडेंट्स थे प्लस टू में, उसमें 25 मेरिट होल्डर थे, मोर देन 80% मार्क्स। ठीक है, तो नियर बाई ग्रामीण एरिया के अकॉर्डिंग हमारा मतलब अच्छा रिस्पांस आ रहा है, स्ट्रेंथ वाइज भी हर चीज़ में। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे पास बहुत ही अच्छी है, सराउंडिंग एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास 22 बसेज है एट प्रेजेंट, और हर एरिया में हमारे पास नियर बाई 135 विलेजेस कवर कर रहे हैं एट प्रेजेंट। सर बता पाएंगे कौन कौन सा एरिया आप अपना जो है कवर कर पा रहे हैं सर? हमारा सर ये बिलासपुर से लेके सराउंडिंग इधर कालाम हिमाचल मोगिनन तक हमारा एरिया कवर कर रहे हैं, इसके सारे ये टोटली गाँव। सर इधर बिलासपुर साइड में सर कितना है सर? बिलासपुर सर बिलासपुर कर रहे हैं, बिलासपुर से आगे मछरौली से साइड सारा एरिया है। छछरौली एरिया, छछरौली से पहले ही है सर बिलासपुर, मखौर, ये सारा एरिया है। जगाधरी रोड भी सर इंक्लूड है? जगाधरी रोड भी इसमें, जगाधरी से भी काफी बच्चे आते हैं, यमुनानगर से काफी बच्चे आते हैं हमारे पास। सर जैसे स्कूल में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, तो पेरेंट्स जैसे वो करते हैं एडमिशन दिलवाने के लिए, तो क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है स्कूल में? स्कूल में हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज हैं बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमारा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारा जो फी मतलब एडमिशन फीस है वो फ्री है। ठीक है, सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादा आजकल हर पेरेंट्स का मन होता है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे स्कूल से बेसिक स्कूल में पढ़े, लेकिन थोड़ा सा फीस को देखते हुए अब 10 to 12,000 एडमिशन फीस लगती है,
तो उसको हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकें, तो हमने इसलिए एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ट्यूशन फीस पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सर, जो निचले तबके के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं लेकिन ना चाहते भी, जो एजुकेशन नहीं दे पाते अच्छे स्कूल के अंदर, सर स्कूल के लिए भी कुछ स्कूल में आपकी प्रोवाइड है सर सर्विस? हाँ सर, उसी को ध्यान मैंने बोला आपको कि उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गरीब बच्चों के लिए, स्पेशल गरीब बच्चों के, हमारा मेन मोटिव यही है कि हर गरीब से गरीब पर्सन भी अपने बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़ा सकता है। जो हमारा एक फीस स्ट्रक्चर है वो हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना रखा हुआ है कि गरीब से गरीब पेरेंट्स भी अपने बच्चों के यहाँ स्टडी करवा सकते हैं। थैंक यू।